हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज कॉमन नर्सिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट आर द कॉमन क्वेश्चंस? कॉमन क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरीज व्हिच द इंटरव्यू विल आस्क व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। जर्नल क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू नर्सिंग। जर्नल क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस व्हिच आर ओनली अबाउट योर सेल्फ। From the starting onwards, they simply ask you about, tell me about yourself or introduce yourself. This is the very first question when you go for any interview. So, in this, what you have to do, you have to just tell the interview brief description of yourself. आपको क्या बताना है? आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपका नाम क्या है। आप अपने बारे में कुछ qualities बता सकते हो। आपने अपनी नर्सिंग कहाँ से कंप्लीट करी है उस इंस्टीट्यूशन का नाम बता सकते हो। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, आपको क्या हॉबीज हैं, आप ब्रीफ में ये चीज़ें आपको बतानी है सबसे पहले पॉइंट में। सेकेंड, आपको क्या पूछा जा सकता है, दैट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ द व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स यू हैव टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। वीकनेस आपको हाईलाइट नहीं करने हैं, आपने सिर्फ कुछ वीकनेस, वन और टू वेरी माइन्यूट वीकनेस आपको उनके सामने रखने हैं। ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई यू चूज नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे? आप लोग बता सकते हो आपने नर्सिंग क्यों चूज करा। आपको रट्टा मार के क्वेश्चन का नहीं जाना है, बस जस्ट आपको बताना है कि आपने क्यों चूज करा। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली मेंबर्स में कोई नर्सिंग प्रोफेशन से था जिससे डेडिकेट होके आपने नर्सिंग चूज किया। एनी अदर पर्सन जिसको आपने देखा एज अ नर्स काम करते हुए, या जो भी आपको लगता है कि आपने नर्सिंग प्रोफेशन चूज क्यों किया। दिस इज द जर्नल क्वेश्चन विच दे विल आस्क यू एंड सम टाइम दे विल आस्क अबाउट सम जर्नल नॉलेज ऑल्सो। देन वी आर मूविंग टू द नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन। इन नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन सिंपली समटाइम्स दे आस्क डिफाइन नर्सिंग, क्योंकि वो नर्सिंग प्रोफेशन में हम जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो पूछ लेते हैं कि नर्सिंग क्या है। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ वेरियस पैरामीटर्स दे विल आस्क समटाइम, लाइक नॉर्मल वैल्यू ऑफ फॉर एग्जाम्पल बीपी क्या है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एनी एसजीओटी पीटी एनी ऑफ द पैरामीटर्स, नॉर्मल वैल्यू ऑफ एबीजी, एनीथिंग दे कैन आस्क। सो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू यू जस्ट review once the normal values of the various parameters. Next is formulate any one of the nursing diagnosis. Sometime the interviewer will ask you formulate any one of the nursing diagnosis. तो आप जाने से पहले just एक बार अपने nursing diagnosis आप कैसे formulate करोगे उसको review करके जाओ। For example, sometimes they will give you some condition कि person है pain के साथ है, तो आप उसका nursing diagnosis कैसे formulate करोगे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप उस चीज को कैसे करोगे। नेक्स्ट, दे विल समटाइम्स आस्क द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द जॉब इंटरव्यू ऑफ नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स। सो व्हाट दे विल आस्क, लाइक द नॉर्म इंपॉर्टेंट कंडीशंस इन विच वी आर हैपन इन द हॉस्पिटल एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, एमरजेंसी कोड्स, लाइक वी आर हैविंग डिफरेंट एमरजेंसी कोड्स इन अवर हॉस्पिटल एरिया, लाइक ब्लू कोड, ब्लू कोड, पिंक कोड, ब्लैक। सो यू जस्ट रिव्यू दीज कोड्स बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशन, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इम्पॉर्टेंट। सो यू जस्ट रिव्यू व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग कैलकुलेशन फॉर एडल्ट डोजेस, पीडियाट्रिक डोजेस, एवरीथिंग। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल। सो हाउ यू आर सेग्रीगेटिंग द वेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। हैंड वॉशिंग टेक्निक एंड वेरियस सिंपल सिंपल प्रोसीजर्स विच आर रिलेटेड टू द बेसिक नर्सिंग केयर। एट द लास्ट आई एम टेलिंग यू द मेन क्वेश्चन, समटाइम द एग्जाम इंटरव्यूअर विल आस्क यू, दैट इज द प्रेजेंट सिनेरियो। व्हाट आर द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल नाउ अ डेज कोविड 19 इज अ पेंडेमिक सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ द मेन टाइम पीरियड इन विच वी आर टेकिंग केयर ऑफ द प्रिवेंटिव पार्ट ऑल्सो। सो दे विल आस्क यू व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ दिस
COVID-19? What are the mode of transmission? How you are going to prevent it? What are the mode of prevention? These are the basic questions they will uphold you, that you updated yourself with the knowledge or you not. So before going to the interview, just review these things. If you are going for an interview in a hospital area before completing your GNM or BSc nursing, these are the basic points which the examiner or the interviewer will cover. Thank you so much. If you like my video, please like, share and subscribe my channel, so you can get the updates for the next video. Thank you so much.